हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं नहा करके आई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है, अभी नहा करके आई हूँ। और ना अभी टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है बालों पर, ना ही बाल अभी मैंने पूछे हैं, क्योंकि ना हर एक टॉवल से बाल नहीं पूछे जाते क्योंकि बाल बाल हो जाते हैं। इसीलिए अभी मैं घर जाऊंगी और कोई सूती दुपट्टा लेकर के बाल पूछूंगी। मैंने सोचा इससे पहले आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, वीडियो की शुरुआत कर ली जाए। और यहाँ पर ना मम्मी के पशु बंधे हुए हैं, बस ये दो ही हैं, बस ये छोटे छोटे दो ही हैं, क्योंकि पापा जी छोटे छोटे पशुओं को किसी को नहीं देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना तब देते हैं। और उनके एक भैंस थी वो उन्होंने बेच दी है, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है सभी की और मम्मी से भी इतना काम नहीं हो पाता है, इसीलिए ना मम्मी ने वो भैंस बेच दी है। और अभी ये ही हैं छोटे छोटे, दूध आ जाता है बाहर से, जैसे गांव में मिलता है। वैसे हमारे गांव में ना थैली वाला दूध भी मिलता है जैसे कि शहरों में मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ गांव में उपलब्ध हैं। तो कोई टेंशन नहीं होती किसी भी बात की, जब चाहे छाछ मट्ठा जो भी आप बोलते वो ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ के पैकेट वगैरह सब कुछ मिलते हैं, बिल्कुल शहर जैसी सुविधा है यहाँ पर। तो अभी मैं जाऊँगी घर और घर जा कर के खाऊँगी खाना, पहले बाल वगैरह करनी करूँगी। सभी नहा लिए हैं और बच्चे बच्चे तो शायद अभी नहीं नहाए हैं, कि बच्चे ना खेल में लगे रहते हैं, उनसे कितना ही बोल लो वो नहाते नहीं हैं इतनी जल्दी से। अनुष्का नहा ली है और बेटे नहीं नहाए हैं, दोनों भैया के जो बेटे हैं। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और घटा हो रही है, धूप इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, है ना, दो तीन दिन से बारिश नहीं आई है, धूप ही निकली हुई है। मौसम वैसे ठीक है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने कपड़े धुले थे अपने और अनुष्का के, यहीं पर मैंने कहा हाथ से ही धो लेते हैं क्योंकि ना लाइट चली गई है और वो सब घर पर हैं, मैंने चुपके से धो लिए, वैसे भाभी जी ना धोने नहीं देती हैं। और अभी मैं यहाँ पर सुखा करके जाऊँगी तो दोनों बोलेंगे कि क्यों आपने क्यों धोले हैं, मैंने कहा नहीं बहुत काम हो रहा है ना, जब सभी आ जाते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि साथ के साथ निकाल लूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आज सारे कपड़ों पर प्रेस करके भी रख लूँ, जो कि मैं अपने घर जाऊँगी उसके लिए काम मेरे लिए कम हो जाएगा। तो चलिए, और इसी वजह से मैंने कपड़े धुल लिए हैं चुपके से। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को पूरा करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मम्मी के पेड़ पौधे। बहुत मन करता है मम्मी की फुलवाड़ी देखने का, बहुत अच्छी फुलवाड़ी लगा रखी है मम्मी ने। और इधर देखिए हमारे घर आ गई है मंकी, ये मंकी का बच्चा है छोटा सा, और उधर मंकी बैठे हुए हैं। हमारे गांव में ना बहुत ही ज़्यादा मंकी हैं, बहुत ही ज़्यादा, कोई सामान वगैरह कपड़े वगैरह हम बाहर नहीं रख सकते हैं, बहुत जल्दी से आते हैं ले जाते हैं और यहीं पर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीन चार जो दिख रहे हैं, बस यही है, बहुत सारे मंकी हैं। और इधर देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार, अब बन रहा है खाना सुबह का। तो इधर बनाई है भाभी जी ने आलू बैंगन की सब्जी, और इसमें बन रहा है दलिया भैया का। तो भैया का दलिया बन रहा है क्योंकि वो दलिया खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती है दलिया, और दाल में रोटी भिगो करके बस ऐसे ही खाते हैं फल वगैरह। और मैंने अभी दलिया देखा तो दलिया ना बहुत ही ज़्यादा पतला था, अभी बना नहीं था अच्छे से। भाभी जी ने बोला था कि आप चेक कर लेना एक बार, देखा तो बना नहीं, फिर उसमें दोबारा से सीटी लगाई। और इधर हमारी थाली लगकर हो गई है तैयार, आलू बैंगन की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी और मट्ठा। तो ये सब सुबह का खाना है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बच्चों के लिए मैंने प्लेट लगा दी है, और सबसे पहले कान्हा जी के लिए और उसके बाद बच्चों के लिए हम दे देते हैं खाना। और ये साथ में ना अच्छे से खा भी लेते हैं तीनों, अभी दो ही है, तीसरा भी नहीं आया है दीप।
तो इधर आ गए हैं पापा जी खेत से। और खेत से क्या है, इन काम वगैरह तो इनसे भी नहीं होता है, इनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन इनका क्या है कि ये छोटे वाले भाई के साथ चले जाते हैं घूमने के लिए। जैसे कि छोटा वाला भाई भी गांव में ही आया हुआ है, सभी आए हुए हैं, तो उसके साथ ये चले जाते हैं। और अभी ये आए हैं घूम करके, और इधर भाभी जी लगा रही हैं पोचा। पहले झाड़ू लगाई थी इन्होंने, और उसके बाद यहाँ पर लगा रही हैं पोछा। तो अभी इन्होंने, इनको पता नहीं था कि अभी उधर झाड़ू पोछा नहीं हुए हैं। तो अभी मम्मी ने बोला कि इस रूम में भी लगा दो पोछा वगैरह। वैसे झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है, बहुत सुबह ही मम्मी लगा देती है, क्योंकि मम्मी ना घेर में ही हम सब रहते हैं, सोते हैं, तो उस वजह से मम्मी उधर झाड़ू वगैरह लगा देती है। तो पोछा नहीं लगा पाई थी, इसलिए इनसे लगवा रही थी। और इधर बड़े वाले भाई भी आए हैं, वो ही है अपना हाथ मुँह धुल करके आए हैं। होता है इनको भी बेचैनी हुई रहती है, क्योंकि ना उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि अभी नहाना नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा बिना नहाए हो जाता है ऐसा ही। तो अभी यहाँ पर पापा जी भी बैठे हुए हैं, और मैं भाई भैया का लेकर के आ गई हूँ दलिया, क्योंकि उन्हें अभी दलिया खाना है। और उन्होंने बोला है कि मुझे तो आज हरी मिर्च कट करके ही खाना है, मुझे ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि ना ये भी परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा ऐसा मरीज वाला खाना खा करके। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, डॉक्टर ने यही खाने के लिए बोला है। तो ये कह रहे थे आज मैं हरी मिर्च डाल के ही खाऊंगा। तो फिर मैंने इनको ना छोटी सी एक हरी मिर्च कट करके और मैंने इसमें डाल दी। और इधर भाभी जी आ गई है पोछा वगैरह लगाने के बाद कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पर भाभी जी कपड़े धुल रही हैं, छोटी वाली भाभी जी घर पर खाना बना रही हैं, और बड़ी वाली भाभी जी कपड़े धुल रही हैं। क्योंकि ना काम ये भी ज़रूरी है, काम खाने का भी ज़रूरी है, तो एक यहाँ पर कर लेगा एक वहाँ पर, तो जल्दी से काम निपट जाएगा, जिससे कि ये थोड़ा आराम भी कर लेंगी। वैसे तो ना सारा दिन निकल जाता है इनको काम करते हुए सभी को, क्योंकि ना काम है ही, बच्चों के साथ और मरीज के साथ काम हो ही जाता है। इधर मम्मी ना यहाँ पर इधर सफाई कर रही थी पशुओं की तरफ, तो इधर जैसे कि हो जाता है, बीच बीच में भी करती रहती है जल्दी जल्दी, फिर ज़्यादा नहीं होता है इसलिए। तो अभी खाना वगैरह खाने के बाद और भैया को भी ये दलिया वगैरह खिलाने के बाद उनका मन हो रहा था कि मेरे लिए चाय बना दो। उनको होता है कुछ थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो वो नहीं खाते हैं, पर होता है उनका मन, दवाई वगैरह खा रहे हैं इसकी वजह से उन्हें ना भूख सी लगती रहती है। तो बोले कि मेरे लिए ना चाय बना करके लाओ। तो मैं उनके लिए दूध में पत्ती लगा रही थी, मैंने कहा अच्छी सी चाय बना करके दे देती हूँ, जिससे कि उनको थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाए। तो अभी मैं वही काम कर रही थी यहाँ पर, वैसे मैं उनके पास बैठी थी, पर उनका मन हुआ तो फिर मैं आई, और मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि भाभी जी ने खाना वगैरह बनाया, एक घर में है और बड़ी वाली, और छोटी वाली ने खाना वगैरह बनाया है, तो वो अपना अभी और काम कर रही हैं। तो बोल रही थी कि चलो मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, इसमें कौन सा मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और अपने घर भी तो करते हैं, चाय वगैरह बनाने में क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर वही काम कर रही थी, और अनुष्का बना रही थी मेरी वीडियो, क्योंकि मैं ट्राईपोड नहीं लेकर के आई थी, बस जल्दबाजी में ऐसे ही। तो ना ट्राईपोड के बिना बड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो वगैरह बनाना, एक आदमी फिर मेरे लिए चाहता है, क्योंकि ना बोलना पड़ता है कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो बच्चे हैं वैसे तो साथ में सभी सहयोग करते हैं, छोटा वाला बेटा भी भैया का बोलता है कि बुआ जी मैं बना दूं, बड़ा वाला भी सभी बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी यहाँ पर बना रही है अनुष्का, और अदरक डालूंगी मैं इसमें अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा ही अदरक डालूंगी। उनके ना खांसी हो रही है, और ना सर्जरी वगैरह में खांसी हो जाए ना तो बहुत दुखन होती है, तो इसी वजह से मैं उनको अदरक ज़्यादा डाल रही थी, जिससे कि उनके गले में ना थोड़ी सी राहत सी मिल जाए उन्हें। पता नहीं क्या हुआ है उनके, कल से खांसी उठ रही है उनके बहुत ही ज़्यादा, बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर खांसी तेज उठ गई तो ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, छींक वगैरह इन सब से ना। सर्जरी वाले को ना मरीज को बहुत ज़्यादा डर रहता है, जैसे कि छींक वगैरह आना, खांसी वगैरह आना, तो बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। वैसे भी हमने दवाई वगैरह उनको दे दी है, लेकिन पता नहीं क्यों आराम नहीं हो रहा है, खांसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो इधर अनुष्का और अनुष्का की मामी जी बना रहे हैं खाना, अनुष्का लोई बना रही है पूड़ियों की, और छोटी वाली मामी जी मतलब सेक रही हैं पूड़ियों को और बेल रही हैं, और बड़ी वाली भाभी जी दे रही हैं खाना। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था हमारा, ये दोपहर का टाइम है। लेकिन ना जैसे कि भैया की सर्जरी हुई है, तो भैया को देखने के लिए आते रहते हैं, तो आज ना बड़ी वाली भाभी जी के गाँव से उनके भैया भाभी और सभी लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं उनके साथ में, तो सभी देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ना हम वो भाभी जी खाना बना रही थी, तो होता है चाहे कोई भी हो घर पर आए, खाना वो भले ही खा करके आए,
लेकिन अपना भी कुछ फर्ज होता है कि खाना वगैरह हम अच्छे से उनको खिलाएं। देखो जो परेशानी है वो तो चल ही रही है, इससे ऐसा तो है नहीं कोई सामने वाला आए तो हम उसके लिए खाना वगैरह ना दें, इससे ये है। तो अभी इधर भाभी जी खाना दे करके आई हैं, वो उधर अंदर बैठे हुए हैं सभी, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ना किसी को अच्छा ना लगे, इसलिए ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये बेटी है, ये मतलब कि बड़ी वाली भाभी जी की भतीजी है और ये भतीजा है, तो ये सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे। इनके साथ वंशु और संस्कार भी, दीप जो बोलते हैं उसका नाम संस्कार भी है, वो बैठे हुए थे। तो यहाँ पर वो सभी खाना खा रहे थे उनकी, और यहाँ पर हमने बनाई थी छोले की सब्जी थी, मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए ये देखिए। और अनुष्का ने तड़का लगाया था छोले की सब्जी में, छोले की सब्जी हो पनीर की सब्जी हो, अनुष्का ना बहुत अच्छी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और सभी को पसंद भी आई थी इसकी सब्जी। ये है रायता, मतलब कि बूंदी पसंद नहीं है यहाँ पर किसी को, इसलिए ऐसे ही बनाया था सिंपल। और ये मिठाई है, बर्फ़ी है, जो कि भाभी जी के भैया लेकर के आए थे, क्योंकि जैसे कि आते हैं ना तो तब लेकर के आते हैं, तो वो मिठाई केले वगैरह बहुत ज़्यादा लेकर के आए थे। और उनके यहाँ पर ना ये मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनके यहाँ पर बनती है, तो भाभी तब जब भी आती है ना तब ये मिठाई लेकर के ज़रूर आती है। और देखिए अनुष्का कितना खुश होकर के पूड़ियाँ बनवा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मिठाई। तो ये है शाम का टाइम, जैसे कि बोलते हैं ना दिन छिपना दोनों टाइम मिलते हैं, उस टाइम का ये वो है। तो अभी ना छोटा वाला भाई आया था खेत से, खेत से जैसे कि शाम वगैरह में काम वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर ही गया था, तो उसके साथ पापा भी गए थे। और जहाँ पर छोटा भाई जाए वहाँ पर बच्चे तो रह ही नहीं सकते, और देखे साथ में ये सारे बच्चे भी गए हुए थे, ये छोटा वाला बेटा अनुष्का और वंश, पापा जी, और ये वो लेकर के आए थे शायद आटा वगैरह पिसवा के लेके आए थे, और उधर से ही खेतों पर काम करके और आटा वगैरह लेकर के वहाँ से आ रहे थे। और यहाँ पर भैया बातें बता रहा है छोटा वाला कि ऐसे ही अपना, जैसे कि बच्चों वहाँ बच्चे हैं तो वहाँ पर उधर मतलब दंगल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी की बातें चल रही थी यहाँ पर कि ये हुआ वो हुआ ऐसे ही सब। और अनुष्का ने ना ट्रैक्टर भी चलाया था, क्योंकि अनुष्का चला लेती है, तो ये वही बात बता रहे थे कि ऐसे चलाया था, इतनी तेज़ चलाया था, सभी वही बातें कर रहे थे। और इधर ना बड़ी वाली भाभी जी आ गई हैं, क्योंकि घर पर आ गए हैं बंदर, और बंदर ना कुछ चीज़ डाल करके गए थे, तो वो बताने के लिए आई थी मम्मी से कि ये चीज़ ना घर पे बंदर डाल गए हैं, तो ये पता नहीं किसका है, इसको दे देना, तो पता भी नहीं चलता है किसकी चीज़ कहाँ पर वो फेंक दे डाल देना। और बंदर से ना डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि मम्मी है तो ये तो रहती हैं, इनको तो आदत है, लेकिन हम सबको डर लगता है, भाभी जी को, बड़ी वाली को, छोटी भी रहती हैं तो उनको भी नहीं लगता है इतना, लेकिन हम सबको लगता है। ये हो गया है शाम का टाइम और बच्चे खा रहे हैं सभी खाना, और ये कुछ बातें कर रहे थे जैसे कि ये खेलते हैं। हाँ मैं इससे बोल रही थी वंश से, इसने फ़ोन चला रखा था कि खाना खाते हुए फ़ोन देख रहा था, तो मैं इससे बोल रही थी बेटा फ़ोन रख दो फ़ोन रख दो, तो ऐसा ही बच्चे नहीं सुन पाते हैं। तो छोटा वाला बेटा ना बहुत तेज़ है, उसने फटाफट से सुनी मेरी बात है, वो अपने भाई से बोल रहा था कि फ़ोन रख दो ना बुआ जी बोल रही हैं, तो वो मान जाता है बहुत जल्दी से बातें मान जाता है। और वंश ने भी ना तुरंत रख दिया फ़ोन, और फिर ये आपस में बातें कर रहे थे खाना खा रहे थे। बड़े प्यारे लगते हैं ना जब बच्चे आपस में बातें करते हैं। मैं यहाँ आपको इनकी रियल आवाज़ भी सुनाती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि ना आरती वगैरह चला रखी थी भाभी जी ने घर, तो उसकी वजह से मैं नहीं सुना पाई आपको, क्योंकि ना फिर उनकी आवाज़ें आती हैं आरती की ना, तो फिर थोड़ा डर रहता है, इसीलिए फिर मैंने ना आवाज़ को बंद कर दिया था। और खाना वगैरह खाने के बाद ना यहाँ पर लगाने लगे हैं हम मेहंदी, क्योंकि ना कल वो है रक्षाबंधन है, तो उसी के लिए मेहंदी लगाने लगे थे। और अनुष्का ना बहुत देर से बोल रही थी कि मम्मा मेहंदी लगवा लो मेहंदी लगवा लो, वैसे तो मैं दिन में भी लगवा लेती, मुझे कौन सा यहाँ पर काम करना है, पर लगवा नहीं पाई। और अभी ना इसकी मामी जी के भी लगाएगी अनुष्का, दोनों मामी जी के भी, अपने भी लगाएगी, और बच्चे भी बोल रहे हैं, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे मैं पहले लगवा लेती ना तो सही रहता। चलो फिर कोई बात नहीं, अब लगा देगी जैसे भी लगाएंगी। तो यहाँ पर छोटा वाला बेटा मेरी गोदी में बैठा हुआ था, और वो बड़े ही ध्यान से देख रहा था, बड़े ही अच्छे से देख रहा था कि अनुष्का मेहंदी कैसे लगाती है, मतलब कि उसकी दीदी कैसे लगाती है। और इधर ना वंशु वीडियो बना रहा था हमारी, मैंने कहा बाबू बना देना, वैसे रात हो गई है साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है इसी वजह से, तो पर कोई नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं मेहंदी लगाते हुए। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये सुबह का टाइम है, और अभी हम जा रहे हैं राखी, वो राखी सॉरी राखी तो हम लेकर के आ गए थे,
पहले ही उस दिन हम पापा जी को दिखाने के लिए गए थे, उसी दिन लेकर के आ गई थी मैं राखी। लेकिन घेवर वगैरह का क्या है कि उस दिन में और आज में ना काफ़ी टाइम था, कम से कम 5 या 6 दिन का टाइम था, तो इतनी जल्दी घेवर वगैरह लाकर तो हम नहीं रख सकते हैं। तो हम सुबह में ही गए थे और बहुत सुबह ही चल दिए थे, क्योंकि ना फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो मैं हूँ और अनुष्का है और भाई का छोटा वाला बेटा है। आज बंसु नहीं आया है साथ में, वो घर पर ही रह गया है, शायद वो सो रहा था, सो कर के उठाता था, उसका मन नहीं था एकदम से आने का। तो हमने कहा चलो चलते हैं और जल्दी से लेकर के आते हैं, फिर आ करके नहाएंगे, क्योंकि ना इस काम को निपटा लेंगे फिर बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, दुकान पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से हम सुबह ही चले गए थे लेने के लिए घेवर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई मैंने बाज़ार की, और आज ना दुकानें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सज रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में बाज़ार को, बहुत ही प्यारा ये देखिए। और आज ना बहुत सुबह ही दुकानें लग गई थी, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर कि बहुत लेट लगे, क्योंकि त्यौहार के दिन अच्छे से लग जाती हैं जल्दी से ही। और सुबह में भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ऐसा नहीं था कि एकदम हमें रास्ता बिल्कुल साफ मिला था। ये देखिए सारी दुकानें अच्छे से सज गई हैं। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।